आइए सर, ऑल ऑफ यू। हाँ जी, ये पिक्चर आपको बता रहे हैं, दिस इज नॉट जेड एक्स एक्स, दिस इज यू एक्स एक्स। मैं थोड़ी देर पहले यही बता रहा था, ये बोला था ना, तो यहाँ आपको पता लग गया कि u इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। तो ये जो आपका इक्वेशन है भाई, दिस इज यू एक्स एक्स, जरा साथ दीजिए, प्लस एक्स यू वाई वाई। भाई ये दिस इज आर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज टी। अरे ठीक है बाबा, हाँ इसको कंपेयर करो इससे, आर आर एस एस टी टी से। जल्दी बोलिए क्या क्या वैल्यूज है, आर कितना है, एस कितना है, और टी कितना है, टी के साथ एक्स हो गया आपका। तो आर एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी लिखवाया ना, क्या लिखवाया, एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी। तो वट इज एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी, महारथी हूँ, एस स्क्वायर का मतलब ये तो जीरो हो गया, आर आपका वन है, और ये तो एक्स है, तो ये आ गया माइनस फोर एक्स। अब जल्दी से बताएंगे इसका, तीन तीन काम हो सकता है भाई, या तो ये पॉजिटिव होगा, या ये जीरो होगा, या ये नेगेटिव होगा, तीनों चीजें हो सकती हैं। हाँ जी, ये पॉजिटिव तब होगा जब एक्स नेगेटिव होगा, ये जीरो तब होगा जब एक्स जीरो होगा, और ये नेगेटिव तब होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा। ये बस एनालिसिस ही है, सिंपल सा, जो साथ है ये आप सभी लोग लिख लेना। हाँ जी, अगर ये एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब हाइपरबोलिक, जीरो का मतलब पैराबोलिक, और लेस देन जीरो का मतलब एलिप्टिक। ये लिखवाया था अभी, अब हाँ तो कह दो, बस आपके सामने लिखा हुआ है, टेल मी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक ये पहले वाला फर्स्ट ऑप्शन करेगा, एलिप्टिक फॉर एक्स पॉजिटिव। क्लियर हो गया आप लोगों को, बस यही करना है, इतना आसानी से नहीं होगा हर बार, बट यही करना है। इज इट क्लियर, एक ही को क्लियर है, बाकी तो बस जल्दी आ चलेंगे फटाफट।